स्ट्रेसेस दो तरह के होते हैं, स्ट्रेसेस नेगेटिव भी होते हैं और स्ट्रेस पॉजिटिव भी होते हैं। अब आप सोचेंगे पॉजिटिव कैसे हो सकता है, स्ट्रेस और पॉजिटिव कैसे, वो बताती चलूँ। अच्छा, नेगेटिव स्ट्रेस में एक्चुअली ये होता है कि ये कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे कि आप में सर का दर्द, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स, आप दाने शुरू हो जाएंगे, रंग आपका थोड़ा सा डल होने लगेगा, मे बी येलोइशपन आने लगे, इंसोमिया का प्रॉब्लम यानी नींद ना आना, अल्सर्स बड़ा प्रॉब्लम है आप समझ लें कि नेगेटिव स्ट्रेस की वजह से, एक्सेसिव जिसे कहना चाहिए या प्रोलॉन्ग या अनरिलीव्ड जो स्ट्रेस होता है, यानी बहुत ज़्यादा लंबी आपके जाए अगर आपका स्ट्रेस, तो वो आपके लिए, मैं फिर से कह रही हूँ, वो बहुत हार्मफुल होता है, वो आपकी मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ दोनों को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है, यहाँ तक कि आपकी स्पिरिचुअल यानी रूहानी ताकत को भी आपको उस पर नेगेटिव असरात पड़ते हैं, जैसे कि अल्लाह के ईमान का आपका एतकाद, अल्लाह पे तवक्कुल करना, वो बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए कि ख़तरनाक बात हो जाती है कि आदमी जो है सोचे कि मेरे खुदा ना खास्ता अब कुछ नहीं रहा, तो मीन्स आपके ईमान जो है ना वो डगमगा रहा। फिर अब पॉजिटिव स्ट्रेस क्या है, पॉजिटिव स्ट्रेस एक्चुअली ऐसे ये होता है कि उसमें आप हाइपर होते हैं, आप मोटिवेटेड होते हैं, आप बहुत आपके अंदर एक ना आगे बढ़ने के, आप चाहते हैं कि मैं कोई मुकाम हासिल कर लूँ, आप चाहते हैं कि मेरे पास मैं ही सबसे आगे रहूँ। स्कूल में जैसे बच्चे अगर होते हैं जो फर्स्ट सेकेंड, जो फर्स्ट आना चाहते हैं, उनके अंदर ये स्ट्रेस पॉजिटिव होता है, मैं इतना अच्छा पढ़ूँ कि मैं फर्स्ट आऊँ, मैं सेकेंड भी ना हूँ मैं फर्स्ट आऊँ। इसी तरह बड़े लोग होते हैं, वो कहते हैं मैं इतना अच्छा काम करूँ, इतना अच्छी परफॉर्मेंस दूँ कि मेरी प्रमोशन हो और मुझे लोग बड़ा पसंद करें, मैनेजमेंट वगैरह। और आपको चैलेंजेस जो मिलते हैं आप उसको, आपके पास स्ट्रेस तो होता है मगर पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, ये तो चैलेंज मुझे मिला है, मैंने करना और इस चैलेंज को मैंने प्रूव भी करना, ये पॉजिटिव स्ट्रेस, इससे आप अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मगर इसको भी आप ऐसा ना ले लें क्योंकि फिर आपके एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि खुदा ना खास्ता आपको ज़रा भी इसके रिजल्ट्स में कमी आती है, वो आपको बैकफायर कर जाती है, आप बड़ा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो पॉजिटिव स्ट्रेस लेना अच्छी बात, आपका इम्तिहान है, आपको ये स्ट्रेस है कि मैंने पढ़ना है, लिखना है अच्छी तरह से, ये स्ट्रेस है क्योंकि मुझे पेपर अच्छे नहीं हैं, ठीक है, मगर ये नहीं कि मैं स्ट्रेस में बैठा हूँ, स्ट्रेस है, स्ट्रेस और पढ़ तो रही हूँ, ये पढ़ भी रहा, ये तो कोई बात नहीं, पढ़ेंगे और अल्लाह की तवक्कुल करेंगे, यकीनन आपको उसमें कामयाबी हासिल होगी। पॉजिटिव स्ट्रेस ये है कि आपने उस पर अमल करना है, कि काम करके देखना है, कहते हैं ना हरकत में बरकत वाली बात होती है। स्ट्रेस जो है ना आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी और अलर्टनेस लेके आता है, ये वाला स्ट्रेस पॉजिटिव है, यानी कि आपको टाइम, आप कोशिश करेंगे बस टाइम कम है, मुझे बस टाइम बाउंड करेंगे अपने आप को कि मैं बस देखें इतने आवर्स हैं, मुझे इतने आवर्स में ये काम कर लेना है, मेरे पास ये डेडलाइंस हैं। और आप तो कहते हैं ना कंसंट्रेट थ्रेटनिंग सिचुएशन से आप अपने आप को हैंडल करने की बहुत अच्छी तरह से कोशिश करेंगे कि आप क्योंकि अच्छा कुछ हासिल करें, तो उसके लिए आपको हर कहते ना आप अपने वसाइल और मसाइल में रहते हुए आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव स्ट्रेस है। फिर इंडिविजुअल के लिए क्या है कि देखिए ना हर आदमी डिफरेंट टाइप का होता है, हर एक के यूनिक परसेप्शन होते हैं, सोचने का और रिएक्शन का अंदाज डिफरेंट होता है मुख्तलिफ इवेंट्स में, मुख्तलिफ सिचुएशंस में। जैसे कि आप समझ लें कि कुछ लोग जो है ना इतने सेंसिटिव होते हैं कि कुछ छोटी सी चीज़ भी बहुत ज़्यादा उन्हें ट्रिगर कर जाती है,
लेकिन थ्रेश होल्ड लेवल जिसे कहते हैं, किसी का थ्रेश होल्ड लेवल इतना कम है, छोटी सी चीज़। और बहुत से लोगों का यह है कि उनके अंदर तो ताकत इतनी होती है कि बड़ी बड़ी बात को बोलना, और यानी आप उनके चेहरे से भी नहीं पहचान सकेंगे वो स्ट्रेस में, आप इतना ज़्यादा किसी के चेहरे पर फौरन नुमाया हो जाएगा कि ये इतना ज़्यादा जो है ना स्ट्रेसफुल है। फिर आप जिसे कहना चाहिए आपके कोई इंडिविजुअल को कभी चाइल्डहुड में या कभी कोई टीचर का कोई इन्फ्लुएंस है बचपन में, पेरेंट्स और रिलीजन, इस किस्म की इंडिविजुअल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि किस इंडिविजुअल्स को किस किस किस्म की स्ट्रेस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं आपके पास कि जो बहुत से स्ट्रेसेस हैं ना वो सेल्फ जनरेटेड, कहते हैं ना आ बैल मुझे मार वाली बात, आ बैल मुझे मार, कि आप ना चाहते हुए भी आपने जितना सॉल्यूशन नहीं निकालते बल्कि यू आर प्रॉब्लम क्रिएटर अपने लिए भी। बहुत सॉरी टू से, आप चेक कीजिए कहीं आप खुद तो प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं है, कि आप वो खुद एक बात ख़त्म नहीं हो है आपको दूसरी बात शुरू हुई अब ये परेशानी, तो यू आप खुद सेल्फ जनरेटेड भी होते हैं, तो उसके लिए तो आपको भाई खुद आपको कोशिश करेंगे प्लीज़ ऐसा ना करें, यह आप ही की हेल्थ के लिए बुरा है। अब हम ज़िंदगी को किस तरह देखते हैं या हम इवेंट्स को किस तरह फील करते हैं, उससे हमें इंकरेजमेंट मिलती है, हम स्टिमुलेट होते हैं या हम डिस्करेज होते हैं, खुश होते हैं या दुखी हो जाते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि हम किस तरह चीज़ों को किस आईने में, जैसे कहते हैं ना हाँ, या तो हम कहते ना पॉजिटिव देखें तो कहते हैं ग्लास हाफ फुल, यानी आधा भी है तो फुल है, और पूरा ग्लास भी किसी को पूरा नहीं लगता, ठीक है ना। तो ये आपका किस नज़रिए से आप चीज़ों को देख रहे हैं। अच्छा, जो सेल्फ जनरेटेड स्ट्रेस जैसे मैंने आपको बताया था, वो दरअसल ऐसा होता है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये जो बाहर के वजूहात हैं ये मुझे अपसेट कर, ये जो अपने आप को कभी गलत नहीं है, ये मैं खुद कर रहा हूँ, वो हमेशा जिसे कहते हैं ना दूसरे को भी पॉइंट आउट किया, इसकी वजह से मुझे स्ट्रेस, ये मुझे स्ट्रेस दे रहा है। ये नहीं सोचते कि मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिसकी ये जनरेट जो स्ट्रेस है ये मेरी अपनी ही कोई गलती की वजह से हो रहा है, या अपनी सोच मेरी सोचों की वजह से, वो दूसरों को एक्सटर्नल जो है ना चीज़ें, यानी अपने से अलग दूसरे उसको वजह बना देते हैं। अब हमें रिकग्नाइज करना है कि बहुत से जो अपसेट्स होते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारा उससे कोप करना किस तरह इम्पोर्टेंट है। तो ज़ाहिर है देखिए, जैसे मैंने हमेशा कहती हूँ, ज़िंदगी फूलों का सेज नहीं, ये कांटों का बिस्तर भी है, तो आपको उसी तरीके से दोनों चीज़ों को कोप अप करने के लिए बहुत से तरीकों को करना, बहुत सी चीज़ें होती हैं आप खुद अकेले कोप अप कर लेते हैं, और बहुत सी चीज़ें होती हैं आपको फिर काउंसलर को पास जाना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं फिर आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। हमारे मुल्क में अलग यह है, लोग समझते हैं कि साइकेट्रिस्ट के पास या काउंसलिंग देने के लिए साइकोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट के पास जाने या काउंसलर्स के पास जाने से कोई दिमागी खलल में मुबतला, प्लीज़ ऐसी बात नहीं है। हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, जिस तरह बॉडी डिसबैलेंस होती है, जिस तरह डायबिटीज़ होती है, डिसबैलेंस ऑफ हार्मोन्स होते हैं, आपको दवा लेनी होती है, आपको दूसरी बीमारियों में दवा लेनी होती है, इसी तरह ऑब्वियसली आपको अपने जो मेंटल जो आपके ब्रेन के हार्मोन्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो उसके लिए कोई बुराई नहीं है कि आप कंसल्ट करें, बल्कि ज़रूर करें, ये लाइफ आपको अल्लाह ताला ने अमानत दी है, उसका इलाज करें। स्ट्रेस का जो ये है कि इससे आपको क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं, लेकिन स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा है तो आप डायबिटिक हो सकते हैं, बढ़ सकता है आपको। अब ये कौन सी चीज़ें हैं कि जो अलार्म करेंगे आपको, आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, आप ये चीज़ें मतलब फटीक फील करने लगेंगे, आप जैसे कहना चाहिए स्पेशली ये जब आप डायबिटिक की बात में कर रही हूँ, तो आपकी जो डायबिटिक होते हैं ना वो एक तो उनको भूख बहुत ज़्यादा एकदम लगने लगती, यूरिन बहुत ज़्यादा आने लगता है, उनकी सांस बहुत तेज़ चलने लगती है, उनके मसल्स टेंस्ड रहने लगते हैं,
उनकी जो मेंटल अलर्टनेस है वो बढ़ जाती है, फिर हार्ट जैसे पल्स रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वो कॉज बन सकता है डायबिटिक होने का। तो इन चीज़ों से आप अपने आप को बचाइए और चेक करें। आपको खुदा ना खास्ता ना स्ट्रेस आपने ले लिया, तो मैंने कहा ना पैथोलॉजिकल आपको डिजीज़ जैसे हो सकती हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में, आप दिल के अमराज में आप मुब्तला हो सकते हैं, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ख़राब हो जाएगा, इम्यून सिस्टम लो हो जाएगा, जो जैसे कहना चाहिए आपको फाइट करता है आपकी बॉडी अटैक करने से, एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ना जो आपको तकलीफ देती हैं, कोई बीमारियों की तरफ ले जाती हैं, वो जल्दी असरअंदाज हो जाती हैं। अस्थमा सांस की तकलीफ का एक रीज़न है कि आप स्ट्रेस की वजह से आपको सांस की तकलीफ हो सकती है। कभी कभी ज़रूरी नहीं सांस की तकलीफ आपको चेस्ट या लंग प्रॉब्लम हो, स्ट्रेस का रीज़न भी हो सकता है, उसको एलर्जी की वजह से भी होती है, मगर कुछ को टेंस्ड होते हैं तो उन्हें सांस का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, अस्थमा हो जाता है। फिर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, अल्सर्स हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। स्किन के आपको जिसम पे दाने लगेंगे, रैशेज होने लगेंगे, या स्किन का कोई आप कंप्लेन करेंगे, सोराइसिस एक बीमारी है वो हो सकती है, माइग्रेन्स, आधे सर का दर्द, हेडेक्स, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स होते हैं, तो ये सारी आप समझ लें। मैंने इसलिए आपसे कहा नहीं, ये स्ट्रेस है या डिप्रेशन है ये माँ है बीमारियों की, इससे बचे। अब स्ट्रेस एक दफ़ा हम दोबारा से मैं कह देती हूँ, चेंज योर थिंकिंग, अपने थिंकिंग को पॉजिटिव कीजिए, अपने बिहेवियर में पॉजिटिव लाएं, आप दूसरे को ब्लेम करना छोड़ दिए, पहले अपने आप का एनालिसिस लीजिए, पहले मैं तो कहीं गलत हूँ, स्टार्ट अपने से कीजिए, ठीक है। अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लीजिए, अगर जिस लाइफस्टाइल में आप वो लाइफस्टाइल सही नहीं है तो ऑब्वियसली इसमें प्रॉब्लम है। अब थिंकिंग को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, रिफ्रेम करें और पॉजिटिव थिंकिंग लेके, इस तरह आप थिंकिंग को बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकते हैं, बी असर्टिव, ठीक है, असर्टिव मतलब यानी कि आप जोश हो जाएं, एक तरह से अगर मैं आम जबान में बताऊं, अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड कर लें। वेंटिलेशन का मकसद होता है कि अगर आपके दिल में कोई चीज़ आपको चुभ रही है, तकलीफ है, तो बोल लें, और इसीलिए देखिए काउंसलर क्या होते हैं, वो चाहते हैं आप चीज़ निकालें। आपको वेंटिलेशन का मतलब होता है कि आपके अंदर कोई चीज़ भर रही है तो आप उसको दे रहे हो, ये नहीं कि लोगों से लड़के निकाले, नहीं, पॉजिटिवली डिस्कशन करके आप अपने आप को करें उन लोगों के साथ जिनको से आपको सही मशवरा मिल सकता है, कुछ ह्यूमर अपनी लाइफ में लेकर आए, और अलग चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट अपने आप को कर लें। लाइफ स्टाइल में आप अपनी डाइट का ख्याल करिए, और लोग जो स्मोकिंग करते हैं फिर आप ना माफ़ करें कि इतने ड्रग्स और अल्कोहल्स पे चले जाते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं है ये तो, और हेल्थ को बिगाड़ने वाली बात है, तो ये अपनी लाइफ से माइनस कर दीजिए। एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज में वंस अगेन आई एम सेइंग एक्सरसाइज सिंपल वॉक, स्लीप, नींद अच्छी लीजिए और रात की नींद लीजिए, ठीक है। लेजर टाइम अपने लिए टाइम निकालिए, रिलैक्सेशन अपने लिए आपको जिसे कहना चाहिए थोड़ा सा वो टाइम निकालना चाहिए जिससे आपको खुशी मिलती है, सही है। जैसे मैं आज आपको अपना एक बड़ा कहते हैं सीक्रेट बताऊँ, मुझे खुशी मिलती है आपसे बात करके, आपको अच्छे यूट्यूब पे आपसे अच्छी बातें करके आई फील सेटिस्फाइड। इट्स नॉट कि कोई मनी मेकिंग है या कुछ है, बट आई फील गुड कि मैं शायद मेरी किसी एक बात से भी अगर किसी को उससे उसकी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी आती है, उसकी लाइफ में कोई बेहतरी आती है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का बाइस बन। तो इस तरह से आप अपने आप को भी कर सकते हैं। तो ये तो कुछ बातें थी आज हमारे सेकंड पार्ट की, उम्मीद करती हूँ कि मेरी इन टिप्स को ज़रूर सोचेंगे, अपनी लाइफ को अच्छी बनाइए, क्वालिटी लाइफ बनाइए, ज़िंदगी को ये काटिए नहीं, ज़िंदगी को अल्लाह दीवी ये ज़िंदगी जितनी भी है उसे अच्छे तरीके से गुजारे, पॉजिटिव तरीके से गुजारिए। उसके लिए आपको कोई ये नहीं कि सिर्फ पैसे ही है तो आप ज़िंदगी को अच्छा गुजार सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, बहुत सी चीज़ें बगैर पैसों की मिल जाती हैं, हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहना, मोहब्बत से रहना, या पैसा मांगता है, लोगों से हंसी खुशी रहिए, लोग आपके साथ हंसी खुशी रहें, जो लोग तकलीफ देते हैं उनसे दूरी हो जाइए, और जैसे कहना चाहिए नेचर से कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इसी बात पर मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ,
सेकेंड पार्ट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, फिर एक और किसी मोटिवेशनल टॉपिक पे, हेल्थ इशू पे, और इस तरह की बातें हम आपसे करते रहेंगे। और जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान Thank you.